हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतूजांगो विद मैथ क्लासेस। फ्रेंड्स, टुडे नाउ स्टार्ट दी एक्सरसाइज 2.1। द चैप्टर नेम इज पॉलीनोमियल्स। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द इंट्रोडक्शंस ऑफ ए पॉलीनोमियल। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखे तो पहले आप इंट्रोडक्शन की पॉलीनोमियल्स की वीडियो देख लेना। ओके, नाउ स्टार्ट दी एक्सरसाइज 2.1। दिस इज गिवन इन पेज नंबर 32। तो चैप्टर का नेम मैंने अभी अभी आपको बताया, पॉलीनोमियल। एक क्लास सीरीज आपके 9th है एंड बुक विल बी रेफर जो आपकी हो रही है वो एनसीईआरटी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल की स्टूडेंट्स की व्हाट इज अ पॉलीनोमियल। तो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि व्हाट इज अ पॉलीनोमियल, कि जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज्यादा होते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका पॉलीनोमियल बनता है। ओके, नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज 2.1। Which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? कि इस मिनट की आपको क्वेश्चन नंबर बना है उसमें ये दिया गया है कि सम इक्वेशंस आर गिवन, कि आपको इक्वेशंस गिवन है और उसमें ये बोला गया कि विच वन, कि आप में इनमें से कौन सा polynomial है या नहीं है और वो वन वेरिएबल है या नहीं है। ओके, तो उसके बाद है स्टेट रीजन ऑफ योर आंसर्स, कि आपको रीजन भी बताना है कि वो क्यों। नाउ स्टार्ट, 4x² - 3x + 7। तो यस, 4x² + 3x + 7। तो ये आपकी सीरीज डेवलप हो रही है कि पहले स्क्वेयर आ रहा है, फिर x आ रहा है, लास्ट में आपका 7 आ रहा है। कि इसमें दिस इज द पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल, कि आपका एक्स एक्स है तो स्टूडेंट्स ये क्या हो रहा है, ये दिस इज द वन वेरिएबल। लेकिन कभी कभी उसमें क्या होगा कि अगर सपोज यहाँ पे भी x होता तो क्या होता, क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो वो क्या होता है, x तो x ऐड हो जाता तो वेरिएबल नहीं होता। तो ये आंसर हो जाएगा वन वेरिएबल। ठीक है, सेकेंड पार्ट है सेम एज इट इज, y² + 2√2। तो ये क्या हो रहा है, y² + √2। तो क्या हो रहा है, यस दिस इज ऑल्सो ए वन वेरिएबल। क्या यहाँ पे डिफरेंस है टी टी में, क्या तो यहाँ पे स्क्वेयर क्यूब हो जाए तो वन वेरिएबल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है तो यहाँ पे क्या जाएगा, नो पॉलीनोमियल। आई होप की क्लियर हो सेंस, फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट आ जाए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट, y + 2/y। यहाँ पे सेम ऑल्सो वाई वाई आ गया तो इट्स मेन ऑल्सो नो वेरिएबल्स लिख रही हूँ मैं, इसमें भी नो वेरिएबल्स लिख रही हूँ। ओके, एंड लास्ट वन इज फिफ्थ पार्ट, x³ + y³ + d₅। इसमें भी आपको देखो x, y, z, तो ये क्या हो रहा है, आपका कितने वेरिएबल्स हो रहे हैं, 3, क्योंकि तीनों में पावर दी है ना, तो क्या आ जाएगा, थ्री वेरिएबल्स। ओके, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 विल बी क्लियर, कि फर्स्ट पार्ट था यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक x है, x² है, तो दिस इज वन वेरिएबल। यहाँ पे क्या हो रहा है, x² + √2 है, ये भी ऑल्सो वन वेरिएबल। एंड लास्ट वाले में आपकी दोनों ही चीजें सेम है, इट्स मीन देयर विल बी नो वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल नहीं है। एंड नेक्स्ट सेम एज इट इज, एंड लास्ट वन में है आपके x³ + y³ + d₅। तो दिस इज गिवन इन थ्री वेरिएबल। तो आई होप कि स्टूडेंट्स क्लियर द क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट, तो क्वेश्चन का मीनिंग है कि सम स्टेटमेंट्स आर गिवन इन ए क्वेश्चन। ओके, तो उसमें क्या है, स्टेटमेंट में आपको x² उसका कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट आओ स्टार्ट द पार्ट, देखो फर्स्ट पार्ट है 2 + x² + x। राइट, तो यहाँ पे क्या किसका कोएफिशिएंट पूछा गया, हम ये चीज देख रहे हैं,
यहाँ पे बोला है एक्स स्क्वायर, तो इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो एक्स की वैल्यू आगे क्या हो जाएगी, वन। तो दी कोफिशिएंट, दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, ओके, तो आई होप कि सेंस ये क्लियर हो गया होगा कि दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज वन। नेक्स्ट होगा टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या रहे, एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, डी कोफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो बोला था, तो एक्स स्क्वायर लिख दिया इज, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो क्या आएगा इज, सो इट मींस इज माइनस वन, तो यहाँ पे माइनस वन आया। तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा सर। नेक्स्ट है पाई अपॉन टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पाई अपॉन टू, तो क्या होगा डी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज क्या होगा, पाई अपॉन, दिस इज द थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट है आपका। अब यहाँ पे तो कोई एक्स स्क्वायर है ही नहीं फोर्थ पार्ट में, तो अब क्या देगा, नो कोफिशिएंट, नो कोफिशिएंट दी इन द इक्वेशन, इन द तो आई होप कि स्टूडेंट्स क्लियर दिस कि आपका क्या है कि यहाँ पे पूछा गया था स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना, तो इस इक्वेशन इस पे भी कोफिशिएंट में आया आपका वन, नेक्स्ट वाले में क्या है माइनस वन पे माइनस वन, नेक्स्ट वाले में आया आपका एक्स स्क्वायर था पाई अपॉन टू, एंड लास्ट वाले में आपकी कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज 2.1, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर थ्री है स्टूडेंट्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो लास्ट क्लास स्टूडेंट उसमें मैंने आपको बताया था कि बाइनोमियल क्या होता है, मोनोनोमियल क्या होता है और ट्रिनोमियल क्या होता है, ओके। तो बाइनोमियल क्या होता है कि जो इक्वेशन आपके उसमें टू डिजिट्स है, जस्ट लाइक ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें बोला है डिग्री क्या होनी चाहिए 35, तो क्या हो जाएगा बाइनोमियल में x की पावर 35 प्लस 7, ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या रहा है 1, तो दिस इज द बाइनोमियल, और ट्रिनोमियल में क्या होता है कि यहाँ पे आपकी 3 हो जाती है, ये आपकी क्या हो गई बाइनोमियल। उसके बाद बोला गया है कि आपकी मोनोमियल ऑफ डिग्री इज 100, कि आपकी मोनोमियल में डिग्री कितनी हो रही है, एच के पापा मोनोमियल में क्वेश्चन स्ट्रेस एक ही आता है, तो यहाँ पे क्या हो गया वन डिजिट हो गया। तो आई होप कि क्लियर थी क्वेश्चन नंबर थ्री कि वहाँ पे क्या बोला कि बाइनोमियल में आपकी आ रही है एक्स की पावर 35 आ गई और मोनोमियल में आपकी एक्स की पावर 100 आ गई। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर थ्री एक्सरसाइज 2.1 है, प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर फोर स्ट्रेस, राइट द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, इट मींस कि आपको इक्वेशन गिवन है और आपको डिग्रीज बतानी है ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके। फर्स्ट पार्ट है 5x की क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 7, तो यहाँ पे क्या आएगा x की क्यूब, x की क्यूब हाईएस्ट डिग्री आ रही है आपकी इस इक्वेशन में, जहां पे आपकी डिग्रीज बहुत ज्यादा वहां पे आपको स्ट्रेस क्या देखना है हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो x की क्यूब की क्या आ रही है यहाँ पे, एस की क्यूब की क्या रही है 5। तो आई होप कि स्टूडेंट्स क्लियर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है ओके सॉरी सॉरी तब फिर 5 में होगा स्टूडेंट्स आपका क्या होगा 3, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री बोला था मैंने। नेक्स्ट है 4 माइनस y स्क्वायर, यहाँ पे आपकी ये वैल्यू वैसे कॉन्स्टेंट होगी, तो y स्क्वायर है यहाँ पे क्या चाहिए x की डिग्री
क्वेश्चन में क्या क्या रिपीट कर रहा है, बार बार मैं बता रही हूँ कि क्या चीज रिपीट करें, जो एक हाईएस्ट डिग्री होगी वो आपको रिपीट करनी है। नेक्स्ट होगा 5t-7, तो 5t-7 होगा यहाँ पे t की पावर कितनी है, 1, तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट होगा ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 कि राइट द डिग्रीज ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, आपको एक क्या बतानी है, डिग्री से बतानी है, 5x³ + 4x² + 7x, तो इसमें से सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, 3 हो गया। नेक्स्ट है 4-y² तो यहाँ पे 2 हो गया, बिकॉज यहाँ पे 2 ही है। नेक्स्ट में आएगा 1, यहाँ पे लास्ट वन आएगी कॉन्स्टेंट वैल्यू, और जैसे ही कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गई तो इसमें यहाँ पे कोई भी आपकी नहीं होगी तो 0। तो फ्रेंड्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 2.1। क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलीनोमियल्स। ओके, तो आपको क्या है, आइडेंटिफाई करना है कि विच इक्वेशन मेरे पे की आपकी क्यूबिक है, लीनियर या फिर क्वाड्रेटिक है। ओके, तो लास्ट जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें आपको बताया गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, या फिर क्यूबिक इक्वेशन कौन सी होती है। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा तो आप पहले वो वाले वीडियो भी वॉच कर सकते हो। ओके, तो मैं एक बार ओरली वैसे बता देती हूँ, लीनियर में क्या होता है कि जहाँ पे पावर्स ओनली 1 होते हैं, लीनियर का मतलब क्या होता है, ओनली पावर 1 होती है। क्वाड्रेटिक में यहाँ पे पावर्स आपके 2 होती हैं, एंड थर्ड वन आपका है क्यूबिक, जहाँ पे दी पावर विल बी क्यूब, मतलब कि 3 होती है। ओके, तो ये था अब फर्स्ट वन है आपका x² + x, तो x² + x, तो यहाँ पे आपकी क्या आ रही है, x² + x आ रही है, तो क्या हो जाएगा, x² + x में हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड आएगा x - x³, यहाँ पे क्यूब आ गई तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यूब, ये क्यूब है। नेक्स्ट आएगा y + y² + 4, तो इसमें क्वाड्रेटिक। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके 1-1 मार्क्स में आते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, 1 + x, 1 + x मीन्स कि आपका क्या गया, नेक्स्ट वन आता है आपका 3t, यहाँ पे भी बनी है तो लीनियर हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, x², तो इसमें क्वाड्रेटिक। एंड लास्ट वन है 7x³, जैसे क्यूब आ रहा है आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आई होप कि वो पार्ट विल बी क्लियर कि जहां पे आपके किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट जो पावर है वो स्क्वायर में आ जाते है, इसमें दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे आपकी पावर एक हाईएस्ट क्यूब में आ जाते है, मीन्स की पावर आपकी 3 में आ जाती है, तो आपकी क्यूबिक इक्वेशन हो जाती है, और जहां पे एक सिंगल पावर आ जाती है तो दिस मीन्स ए लीनियर इक्वेशन। तो आई होप कि स्टूडेंट्स क्लियर दिस, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, तो स्टूडेंट्स आज की जो हमारी क्लास है वो ओवर होती है, कंप्लीट एक्सरसाइज 2.1। स्टूडेंट्स अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। स्टूडेंट्स मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज या फिर आप मेरा टेलीग्राम का ग्रुप कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, एंड नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2 ऑफ पॉलीनोमियल चैप्टर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।